हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़। किसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़? तो एलिमेंट्स को अगर उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट किया जाए तो उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़ कहा जाता है। एलिमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर। इसके अलावा इसको याद करने का तरीका क्या है? तो इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा सॉन्ग आपको याद करना पड़ेगा। सॉन्ग की तरह है, लेके बारात काना मज़े से आला, मंजन करे फेंक दे निगाहे सुंदरी कोई प्यार भरी, फिर हाइड्रोजन और लास्ट में चप्पा। अब हम देखते हैं कैसे याद करेंगे हम इससे, इस सॉन्ग से कैसे बना सकते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को। तो ले मतलब LI, के मतलब के, बारात BA, का CA, ना NA, मज़े तो MG, आला AL, मंजन MN, ZN क्या हो गया जन, करे CR, FE फेक, CD दे, निगाहे NI, सुंदरी SN, कोई CO, प्यार भरी PB और हाइड्रोजन लास्ट में। ये हो जाता है। और फिर क्या बताया? फिर बताया आप लोगों को चप्पा। तो चप्पा कैसे करना है? एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करेंगे, CHAPA, सी का मतलब CU, H का मतलब HG, A का मतलब AG, P का मतलब PT, A का मतलब AU, और इनके बीच में गैप छोड़ के फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनको अरेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को बनाने का तरीका हो गया। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 26 एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। बनाने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। जो सबसे ऊपर वाला हमने पढ़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में हमें रखा गया है, एलिमेंट्स को रखा गया है इसमें। तो जो सबसे ऊपर होता है उसका लोवेस्ट SRP होता है, जो सबसे नीचे होता है उसका मैक्सिमम SRP होता है। लोवेस्ट SRP जिसका होगा उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो गेट ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और ख़ुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसके अलावा जो लोअर एलिमेंट होगा वो उसका जस्ट अपोजिट होगा, मैक्सिमम SRP होगा। मतलब लोवेस्ट एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। लोवेस्ट SRP होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसका रिडक्शन होगा, वो रिड्यूस्ड होता है और वो किसकी तरह बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिड्यूसिंग पावर के रखिए या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर के। इसके अलावा कुछ हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लोअर एलिमेंट जो होता है वो कैथोड लाइक बिहेव करता है और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। हमने पढ़ा है नीचे वाले का हाई होता है और कैथोड की तरह बिहेव करता है और वो हमेशा रिड्यूस्ड होता है जो नीचे प्रेजेंट रहता है। जो ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट रहता है वो एनोड लाइक बिहेव करता है और SRP उसका लो होता है और वो ख़ुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। इसके अलावा SRP किसे कहा जाता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के कंपैरिजन में लिया जाए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में लिया गया, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोला गया। और ये जो पोटेंशियल है ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर लिया गया है, जैसे टेम्परेचर होता है 298 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको बनानी बता दी है, उसमें हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल तो 0 होता है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी होते हैं उनका निगेटिव होता है और जितने भी नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका पॉजिटिव में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इसके अलावा जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है लोअर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसके अलावा जो हाइड्रोजन से ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं वो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये बताइए CU हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा H2SO4 से रिएक्शन करके या नहीं करेगा? तो CU मैंने बताया हाइड्रोजन के नीचे चप्पा जो लिखा CU उसमें आता है, CU से डिनोट करता है CU को। तो CU क्या है? हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है, नीचे वाला कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करता, सिर्फ ऊपर वाला करता है। नेक्स्ट आते हैं हम, अपर एलिमेंट रिप्लेस लोअर एलिमेंट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है वो नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से।
अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड नीट जेई मेन्स यूपीटी यूपीएससी और ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है CaAlKMgHg को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है। हमने पढ़ा है एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही क्या किया गया है, अरेंज किया गया है अपसे डाउन की तरफ। तो जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा के, वो सब क्या होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। हमने देखा लोअर जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो सबसे नीचे वाला जो सबसे ऊपर होगा उसका सबसे कम, उससे नीचे कौन सा होता है, सी ए, फिर मजे एम जी हो गया, से आला ए एल हो गया, और फिर सबसे लास्ट में चप्पा का एच जी जो होता है वो नीचे आता है। तो इसीलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये रख दिया गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ई नॉट रिडक्शन दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, सी आर एम एन एफ ई सी ओ ए आर किसके क्या क्या वैल्यू दी हुई है, -0.41 +1.57 वोल्ट, 0.77 वोल्ट और +1.97 वोल्ट। मेटल्स को ये पूछा है कौन सा मेटल जो है गेट ऑक्सीडाइज इजीली, कौन जल्दी ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो एलिमेंट जो ऊपर प्रेजेंट रहता है वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज्ड होता है और उसकी एसआरपी लोएस्ट होती है। तो इनमें हमने देख लिया एसआरपी लोएस्ट किसकी है, माइनस में है सीआर की, तो इसीलिए आंसर हो गया सीआर, नेगेटिव वाली वैल्यू वाला। सेम एसआरपी ऑफ थ्री मेटल्स, तीन मेटल्स की एसआरपी दी हुई है +0.5 -3 वोल्ट -1.2 वोल्ट। इन्हें क्या करना है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स के ऑर्डर में रखना है। तो रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा होता है, हमने अभी पढ़ा, जो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे जिसकी सबसे माइनस में होगी वो सबसे